नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यप्रिया। वैसे हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई दवा जरूर ली होगी, और दवा लेते वक्त हर वक्त हमारे मन में एक सवाल रहता है, दवा की गुणवत्ता का। और साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या इसी कॉम्पोजिशन की दवाई हमें कम मूल्य में भी मिल सकती है। इन्हीं सभी सवालों पर आज अगर देखा जाए तो देश में एक बड़ी बहस चल रही है, और साथ ही भारत सरकार कई कदम उठा रही है ताकि जन जन तक सही दवा मिल सके और लोगों को ये दवाइयाँ उचित मूल्य पर मिल सके। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, सेक्रेटरी एंड साइंटिफिक डायरेक्टर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के डॉक्टर जीएन सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रिया जी, पहले तो हम आपके बड़े आभारी हैं, और सारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने जो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो आपने प्रश्न किया है कि दवाइयाँ जो आम आदमी तक जाती हैं इनकी गुणवत्ता के बारे में, तो हम आपको ये बताने में बड़ा हमें हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार, यहाँ की जनता, यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के रेगुलेटर्स बहुत दिनों से 1940 या उससे पहले से इस विषय में बड़े ही जागरूक रहे हैं। भारत बड़ा भाग्यशाली मुल्क है जहाँ ऐसे विचारधारा के लोग रहे हैं जिनकी विचारधाराएं ऐसी रही हैं कि साइंस बेस्ड सिस्टम और टूल्स उन्होंने बहुत पुराने समय से दिया है। इसी के तहत ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में बना, रूस 1945 में बने, उसमें प्रोविजन दिया गया सेकेंड शेड्यूल में, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया गया कि हमारा भारत का अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिससे कि उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ यहाँ पे बनाई जा सके, आम आदमी को उपलब्ध कराई जा सके। और हम अपने आप को एक भाग्यशाली वैज्ञानिक मानते हैं जिससे कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में काम करने का मौका मिला है, जिसकी उत्तरदायित्व तो है कि हाई स्टैंडर्ड्स की दवाइयों के मोनोग्राफ बनाना, उनकी सारी जो गुणवत्ता की परख की जो भी चीज़ें होनी चाहिए उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करना, और उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या क्या और कैसे कैसे हम बनाए हैं। हमारे पास नेशनल फार्मूली ऑफ इंडिया है जो कि जेनरिक मेडिसिन एट इकोनॉमिकल प्राइसेस दवाइयों को जन जन तक उपलब्ध कराने में बड़ी सहायक होती है। इन चीज़ों पे भी हम बाद में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सिंह, ऐसा भ्रम है आमतौर पर, ऐसा देखा जाता है, लोगों को ऐसा लगता है, अभी आपने जेनेरिक दवाइयों की बात की, तो जब हम जेनेरिक दवाइयों की बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उनकी गुणवत्ता बाकी दवाइयों के जैसी नहीं है, तो ऐसे में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का क्या रोल है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सत्या जी, आपका ये प्रश्न बड़ा ही वाजिब है, और ये भ्रम जो है ये एक कॉमर्शियल अप्रोच के तहत एग्जिस्ट करता है, लेकिन भारत सरकार ने बड़े बढ़िया कदम उठाए हैं। इंडियन फार्माकोपिया जो हमारी बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। स्टैंडर्ड्स चाहे ब्रांडेड मेडिसिन का हो, चाहे जेनरिक मेडिसिन बनाने वाले हों, सबका एक ही स्टैंडर्ड्स है। सारी दवाइयाँ जो बनती हैं वो एक स्टैंडर्ड्स की बनती हैं, और ये स्टैंडर्ड्स विश्व स्तर का स्टैंडर्ड्स यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के रेगुलेटर, यहाँ के कंज्यूमर मिल के बनाते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड सबके कॉमन है, चाहे वो जेनरिक मेडिसिन के नाम से बिकती हों, ब्रांडेड जेनरिक के नाम से बिकती हों, या जेनरिक बिकती हों। जो ये बीच में हमने कहा कि कॉमर्शियल अप्रोच जो प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो लोग ऐसा कन्फ्यूजन माइंडसेट में उत्पन्न कर देते हैं कंज्यूमर के, प्रिस्क्राइबर्स के, जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल्स के, कि जैसे ये लगे कि ब्रांडेड मेडिसिन सुपीरियर क्वालिटी की हैं, लेकिन हम दावे के साथ वैज्ञानिक आधार के हिसाब से, और ये जो इंडियन फार्माकोपिया बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स है इसके माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी, चाहे देसी विदेशी कोई भी कंपनी दवाई हिंदुस्तान में बनाती है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना जरूरी है, और
सारी दवाइयाँ सिमिलर सेम स्टैंडर्ड से उपलब्ध हैं। दवाइयों के स्टैंडर्ड्स के उनके मानक की बात करते हैं तो ऐसे में हमारे देश में क्या प्रावधान है इसके? देखिए, हमने जैसे पहले आपसे चर्चा में बात की थी कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बना था, उसमें हमारे जो थिंकर्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, जो वैज्ञानिक थे, उनकी क्या अच्छी सोच थी। उन्होंने सुनिश्चित किया था सेकेंड शेड्यूल में कि जो भी स्टैंडर्ड्स प्योरिटी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए होंगे, जो इस किताब में प्रिस्क्राइब होंगे, वो चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो, सेलर्स हो, रेगुलेटर्स हो, सबको कंप्लाई कराना जरूरी है। आप दवाइयों पे देखती होंगी कि लिखा रहता है कि पैरासिटामोल आईपी, तो इंडियन फार्माकोपिया का मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स इसमें हैं, चाहे वो देसी विदेशी कंपनियां बनाती हैं, वो स्टैंडर्ड्स कंप्लाई कराना एक लीगल प्रोविजन के तहत मैंडेटरी है। अगर हम इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये क्या है? देखिए, दवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जो मोनोग्राफ के रूप में हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं रेफरेंस स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। हर मोनोग्राफ, हर दवाई, जैसे पैरासिटामोल है तो पैरासिटामोल की गुणवत्ता किसी न किसी मापदंड से कंपेयर करने के लिए रेफरेंस सबस्टांसेस बनाए जाते हैं। ये फार्माकोपिया का काम है जी। और हमें बड़ी प्रसन्नता है आपको बताने में कि पिछले 4 सालों में हमने करीब 600 से ज़्यादा आईपी रेफरेंस सबस्टांसेस बना लिए हैं। पहले जो विदेश से हम इंपोर्ट करते थे, अब करीब करीब सेल्फ रिलायंट होने। तो क्या इनमें रिविजन भी होता है समय के साथ? जी, इनमें हर 2 साल में हम इनका, पहली जब रेफरेंस सबस्टांस बनाते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ, वैलिडेशन लाइफ 2 साल होती है। इसके बाद प्रतिवर्ष इसकी गुणवत्ता के बारे में हम जांच करते हैं, और उसको अगर गुणवत्ता 99+ से नीचे होती है तो उसको रिप्लेस करते हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि गुणवत्ता की कमी के चलते दवाइयों के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, तो ऐसे में कैसे सुनिश्चित किया जाए कि नकारात्मक प्रभाव को किसी भी तरीके से हम रजिस्टर कर सकें और उसे बाकी लोगों को बता सकें कि क्या इसके लिए कोई प्रावधान है? ये बड़ा ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया है, क्योंकि 2011 से पहले फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया उतना ठीक गति से नहीं चल रहा था जितना चलना चाहिए था। इसीलिए मतलब हमारी हिंदुस्तान में जो हमारी सिविल सोसाइटी हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने बार बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में उठाया कि भारत में एक मजबूत फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाए। तो पहले ये एम्स में चलता था, 2011 में इसको इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के साथ अटैच कर दिया गया। आज हमारे पास 250 सेंटर पूरे भारत में हैं, जो दवाइयों का अगर कोई कुप्रभाव पड़ता है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है। इसके अलावा जो हमारे नेशनल डिजीज प्रोग्राम्स हैं, उनके सारे सेंटर्स से जुड़े हुए हैं। NABH के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। हमारी इतनी आज स्थिति मजबूत हो गई है कि कोई भी दवा जो हिंदुस्तान का आम आदमी लेता है, अगर उसका कोई कुप्रभाव होता है तो वो अपने निकटतम जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, या खुद ही एक हमारी हेल्पलाइन है उसके थ्रू कर सकता है, या मोबाइल में हमारा मोबाइल ऐप है और हमारे हर जगह लोग उपलब्ध हैं। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में दवाइयों का अगर कोई कुप्रभाव पड़ता है तो हर व्यक्ति को इतना इम्पावर कर दिया जाए कि वो वैज्ञानिक तरीके से उन चीज़ों को सलूशन उसके पास पहुँच जाए। और इसी के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पिछले सितंबर में ही इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में जो PBPI चल रहा है उसको WHO कोलाबरेटिव सेंटर रेगुलेटरी पर्पस के लिए डिक्लेयर किया है, जिससे केवल भारत की जनता के लिए नहीं, इस पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, पूरे विश्व में, जब हम जेनरिक मेडिसिन पूरे विश्व को देते हैं तो ये भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि इनके कुप्रभावों को
उन जानने के लिए, समझने के लिए एक साइंस बेस्ड अच्छा प्लेटफॉर्म हो। आज हम कार्यरत हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म उपलब्ध है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, हर व्यक्ति के पास जो दवाइयाँ पहुँच रही हैं, अगर कोई कुप्रभाव हो रहा है तो रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हम एनालिसिस करते हैं, रेगुलेटरी एक्शन के लिए हम लोग CDSCO को फॉरवर्ड करते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बहुत ही अप्रिसिएट किया है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का विश्व स्तर पर क्या योगदान है और बाकी देशों के जो फार्माकोपिया कमीशन हैं उनके साथ आप कैसे एक साथ काम कर रहे हैं? जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, इसकी सक्सेस स्टोरी 2002 के आसपास शुरू हुई थी, जब एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो कि अफ्रीका में, इंडिया में, अदर कंट्रीज में उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तब हम लोगों ने एक अग्रणीय कदम उठाया और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सिप्ला, रेनबैक्सी, हेट्रो और कई संस्थानों ने मिलकर सुनिश्चित किया कि हम एक कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। उस कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाने के नाते ये हुआ कि जो मोनोग्राफ्स किसी फार्माकोपिया में नहीं थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया US की है, ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटेन की है, यूरोपियन फार्माकोपिया यूरोपियन कंट्रीज की है, जापानी फार्माकोपिया जापान की है, ऐसे कुछ मुल्क हैं जिनके पास अपनी फार्माकोपिया है। भारत में भी अपनी फार्माकोपिया होने से ये फायदा हुआ कि जब हम लोगों ने एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के मोनोग्राफ डाले, उससे जेनरिक मेडिसिन बनने लगी। हम जब बनाए तो और देश के लोग, फार्माकोपिया के लोग उसे फॉलो किए और आज जो सस्ती अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ मिल रही हैं, चाहे हिंदुस्तान की हो, अफ्रीका की हो और कंट्रीज को हो, उसका सारा योगदान इस इंडियन फार्माकोपिया और हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स की जाती है। हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और फार्माकोपिया के साथ, चाहे जितनी फार्माकोपिया, करीब करीब 48 फार्माकोपिया विश्व में हैं, 10 उसमें लीडिंग हैं, उनके साथ हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम उनके साथ बराबर वार्तालाप करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। एक चीज़ और बता दें कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जिसमें कि गुड फार्माकोपियल प्रैक्टिसेस, हम लोगों ने एक विचार किया क्यों ना सारी फार्माकोपिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हार्मोनाइज हों। तो उसके लिए गुड फार्माकोपियल प्रैक्टिसेस हम लोगों ने 20 डाला और आपको खुशी होगी कि 2019 में उस 10 साल लगे हम लोगों को बनाने में, पूरी फार्माकोपियल वर्ल्ड की फार्माकोपियल बॉडीज बैठ के बनाई हैं। यही दिल्ली में उनकी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हम लोग वो डॉक्यूमेंट ऑफिशियली सब फार्माकोपिया के लिए रिलीज करेंगे, WHO करेगा, जिसमें पूरे विश्व की सारी फार्माकोपिया इकट्ठा होंगी। ये मार्च में कार्यक्रम होने जा रहा है और हम पूरे हिंदुस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, उनको बधाई देते हैं कि इतना अच्छा कार्य किया है जो WHO ने विश्व स्तर पर सराहा है। तो जब आप गुड फार्माकोपिया प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जब आपने इसके लिए पूरा रिसर्च किया तो किस तरह के निष्कर्ष सामने आए? इसमें ये था कि जो फार्माकोपिया थी, हर मुल्क की अलग अलग मोनोग्राफ्स लिखते थे, अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे, तो हम लोगों ने सोचा कि दवाई तो एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो ये नहीं देखती है कि हिंदुस्तान में बना है कि अमेरिका में बना है कि जापान में बना है, रोग करीब करीब वो बाउंड्री लेस होते हैं, सबका एक ही दवा है, एक ही तरह के रोग हैं। तो हम लोगों ने कहा कि स्टैंडर्ड्स क्यों भिन्न भिन्न हो रहे हैं, कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड्स बिल्कुल प्रिस्क्राइब हो जाने चाहिए। इसके लिए चूँकि जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बैरियर्स थे, उसको तोड़ने के लिए कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है, जो बड़े लोग होते हैं वो चीज़ों को बड़ी धीमी गति से छोड़ना चाहते हैं। तो ये तय हुआ कि अगर गुड फार्माकोपिया प्रैक्टिसेस इम्प्रेस हो जाएंगी तो एक कॉमन स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे, जिससे कि दवाइयाँ सस्ती होंगी, अच्छी गुणवत्ता की होंगी और विश्व की जनता की भलाई होगी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले कोई अगले दशक में, ये बड़ी बड़ी चुनौती है जिसको सारे फार्माकोपियल बॉडीज ने मिलकर तय किया कि नहीं, सब लोगों ने सेक्रीफाइस भी किया, लेकिन इंडिया ने इसमें लीड लिया, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक अहम भूमिका निभाता है।
लोगों ने भय भी व्यक्त किया कि भारत को क्या पड़ी है कि इतनी फार्माकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के लिए ट्रीट कर रहा है। हम लोगों ने ये बताया कि हमारे जो संस्थापक लोग थे उन्होंने ये निश्चित किया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व के हर व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए चिंता करेगी, उसमें ये फार्माकोपियल प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। तो हम पुनः ये हमारा मानना है कि इससे उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ कम दाम पे मिलने के लिए एक नया आयाम खुलने जा रहा है। डॉक्टर साहब, वैसे ये बड़े अचंभे की बात है, जैसे आपने कहा रोग तो एक ही है और उनका इलाज भी एक ही है, ऐसे में आज तक ये सोच क्यों नहीं उत्पन्न हुई कि हम सभी फार्माकोपिया को स्टैंडर्डाइज करके एक विश्व का फार्माकोपिया बना सके। ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया, ये उस समय भी मंथन का विषय था, लेकिन आप जानती हैं कि जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इसको अलाउ नहीं करती हैं। लेकिन हम लोगों ने ये जो कदम उठाया है ये कदम उसी दिशा में जाएगा, समय लगेगा क्योंकि कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाना, कॉमन बैरियर तोड़ना बंद करना, ये बड़ा ही हरकुलियन जॉब है। लेकिन हम अपनी फार्माकोपियल बॉडीज को बधाई देते हैं, WHO के हम आभार व्यक्त करते हैं और हम हमेशा उनकी इंडिप्टेड फील करते हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ये काम करने का मौका मिलता है। और फार्माकोपियल बॉडीज ने अपने बहुत ही चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, तभी हम ये बड़ा कठिन काम था, अब काफ़ी कदम आगे बढ़ गए हैं। हम आशा करते हैं कि जो आपने कहा कि वन फार्माकोपिया वन स्टैंडर्ड्स वन प्राइस होना चाहिए, ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई है। भारत ने कई चीज़ों में अपना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी संदर्भ में हम एक चीज़ बताएंगे कि आज हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जाने जाते हैं। जो कोई आज से 20 साल पहले दवाइयाँ हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी दवाइयाँ करीब करीब 195 मुल्कों में जाती हैं और अमेरिका, यूरोप, ऐसे मुल्क जहाँ की करीब करीब मार्केट का जेनरिक मेडिसिन का हम 30% मार्केट हमने कैप्चर किया है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना कठिन काम रहा होगा। एक आदमी अगर वहाँ जाना चाहे तो कितना आदमी को जाने में कठिनाई होती है। आप दवाई वहाँ बेचती हैं, दवाई यहाँ की जाती है, लोगों से एक्सेप्ट करते हैं और उसमें इंडियन फार्माकोपिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम अपने कर्मचारियों का, अपने वैज्ञानिकों का और अपने मैन्युफैक्चरर्स का हमेशा आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने कमर्शियल अप्रोच को छोड़ के इसको बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। एक देखने में एक छोटी किताब दिखती है, लेकिन इसको बनाने में और जो अपने कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स को छोड़ने में जो दर्द होती है सबको, उसको भूल के लोग भारत की जनता के लिए सेवारत है। और हमें उम्मीद है कि हम विश्व में जो दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में हिंदुस्तान का परचम आज फहर रहा है उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो जो प्रोफेशनल्स इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, चाहे हम क्वालिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें या दवाइयों के एक रैशनल यूज की बात करें, उनको ट्रेन करने में क्या आप किसी तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी आयोजित करते हैं? क्योंकि ये बड़ा कमजोर कड़ी थी पहले तो, क्योंकि जब किताब बना लेना, नियम बना लेना और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, पर्सन्स हैं, अगर वो ठीक से नहीं जानते हैं तो चीज़ों का सही तरीके से सदुपयोग और उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसके लिए हम लोगों ने कोई 8 से बड़ी सतत परिश्रम कर रहे हैं और पिछले 4 में तो बहुत ही प्रगतिवान हुए हैं कि जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में लोग मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें रेगुलेटर होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जो प्रिस्क्राइबर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनको ट्रेन किया जाए कि ये किताबें क्या हैं, नियम कानून क्या है, गुणवत्ता को कैसे हम सुनिश्चित कर सकें। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इसमें सतत अन्य संस्थानों के साथ जुड़ के कार्य कर रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि PPPI जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, उसमें 4 में कम से कम हमने 1,00,000 लोगों को इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके टूल्स के बारे में, इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी दी है, ट्रेंड किए हैं और वो हमारे ट्रेंड पर्सन ट्रेनर हो गए हैं सबके लिए। हमें उम्मीद है कि आने वाले 3 से 5 में भारत की तस्वीर बिल्कुल बदली नज़र आएगी और ट्रेनिंग हमारी और तेज़ी से हम चलाने के तरफ
अग्रसर हैं। जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया की किताब, ये है क्या और इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, नेशनल फॉर्मुली ऑफ इंडिया जो है इसलिए बनाई गई कि एक ऐसी किताब दी जा जो हर हॉस्पिटल के लिए, हर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, पैरा मेडिकल, चाहे वो नर्स हों, चाहे फार्मासिस्ट हों, चाहे कंज्यूमर हों, उसको ये जानकारी दी जा कि दवाइयों की गुणता, दवाइयों की उपयोगिता, दवाइयों का कुप्रभाव से कैसे बचा जा सके और कैसे जेनरिक अप्रोच में कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सके। तो इसीलिए नेशनल फॉर्मुली ऑफ इंडिया हम लोग पब्लिश करते हैं। इसका मुख्य मकसद ये होता है कि जो दवाइयों का उपयोग हम करें, किस मात्रा में करें, अगर कोई कुप्रभाव पड़ता है तो कैसे अपने आप को बचाव करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं, सारी सूचनाओं का एक जगह निचोड़ के रूप में ये प्रस्तुत की गई है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है बता के करीब करीब हिंदुस्तान में लाखों लाख लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे अदर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, वो अपनी फार्मूलरी बनाते हैं। तो ये फार्मूली मदर फार्मूलरी है, इससे वो लोग अपनी अपनी, जैसे जिस क्षेत्र के लोग हैं, जैसे अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ का हॉस्पिटल है, अगर वो अपनी कोई फार्मूलरी बनाना चाहता है तो वो इससे बनाएगा, एम्स अपना बनाता है तो इससे बनाएगा, सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल बना रहा है तो ऐसे बनाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन विद जेनरिक अप्रोच इज द स्लोगन, इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑन विच दिस बुक इज हेल्पिंग टू द पीपल एंड पेशेंट ऑफ दिस कंट्री। तो अगर हम भारत की बात करें और भारत के स्वास्थ्य के वर्तमान स्थिति की बात करें, तो हाल ही में WHO ने कहा कि इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट और जो मदर्स की मोर्टैलिटी रेट है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। पोलियो हम लगभग इराडिकेट कर चुके हैं, TB को इराडिकेट करने के लिए हमारा जो जंग है वो शुरू भी हो चुका है। तो ऐसे में अगर वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन आप करते हैं तो आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, हम तो ये मान के चलते हैं कि जो पिछले सालों में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड सेटिंग एरिया में हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में हो, एजुकेशनल पैरामीटर्स में हो, कंप्लायंस में हो, वो अभूतपूर्व हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये फंडामेंटल वर्क किए गए हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो अब डिलीवरी मोड पर आ गया है, ये आने वाले 3 से 5 साल में एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि साइंस बेस्ड टूल, साइंटिफिक अप्रोच जो हम लोगों ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो अडॉप्ट किया है, उसके तहत, उसके द्वारा आने वाले समय में हर नागरिक का स्वास्थ्य सुनिश्चित हो जाएगा, उच्च गुणता की दवाइयाँ उनको मिलेंगी, मेडिकल डिवाइसेस मिलेंगी, उनकी डायग्नोस्टिक के लिए जो किट्स होते हैं, जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हाई क्वालिटी के होंगे, एफोर्डेबिलिटी के लिए हम लोग बराबर प्रयासरत हैं, जिससे केवल हिंदुस्तान की जनता की नहीं, आने वाले समय में हम लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा विश्व के स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित रहता है। उसमें जो ये कदम पिछले सालों में उठाए गए हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हैं और हर हिंदुस्तान की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए ये सब संस्थान काम कर रहे हैं। विशेषकर हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, इसके लिए हमेशा सतत हमारे वैज्ञानिक लोग मिल के प्रयास कर रहे हैं और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता का स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि हर व्यक्ति थोड़ा कार्य करे, योग करे, थोड़ी मेहनत करे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए, लाइफ स्टाइल थोड़ा अपना परिवर्तित रखे, हाँ। जिससे कि बीमारी हमारे घर के दरवाजे तक ना आ पाए। डॉक्टर जी एम सिंह, आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की, अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या जी, हम भी आपके बहुत आभारी हैं।
तो इस ज्ञानवर्धक बातचीत के बाद हम अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहां आयोजित की गई एक चर्चा फोक म्यूजिक ऑफ हिमालयस के विषय में। प्रस्तुत है इस पर हमारी ये